तो दोस्तों हम देख सकते हो माइकल डांसर बन गया है। हेलो दोस्तों, टेक्निकल अमर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम तो मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई अपने प्लेयर को या फिर कोई भी पेड़ को हम डांसिंग एनिमेशंस को कैसे परफॉर्म कराएं, इसे सिखा दो। तो आज हम देखेंगे कि अपने प्लेयर को या फिर कोई और पेड़ को हम डांसिंग एनिमेशन को कैसे परफॉर्म कराएं। तो वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करें। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको मेनू ट्रेनर की ज़रूरत होगी, उसका इंस्टॉलेशन का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेनू ट्रेनर को इंस्टॉल कर लीजिए। मेनू ट्रेनर को इंस्टॉल करने के बाद मेनू ट्रेनर को ओपन कीजिए। तो फर्स्ट हम हमारे प्लेयर को डांसिंग एनिमेशन कैसे परफॉर्म कराएं, इसे देखेंगे। मेनू ट्रेनर को ओपन करने के बाद प्लेयर ऑप्शंस में जाइए, उसके बाद नीचे जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ आपको दिख रहा होगा एनिमेशंस, इसको ओपन कीजिए। इसको ओपन करने के बाद नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ आपको दिख रहा होगा ऑल एनिमेशंस, इसको ओपन कीजिए। इसको ओपन करने के बाद यहाँ सर्च कीजिए। यहाँ आपको सर्च करना होगा DANCE डांस, टाइप करने के बाद एंटर कीजिए। यहाँ आप देख सकते हो यहाँ आपको बहुत सारे डांसिंग एनिमेशंस आ गए हैं। उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है। थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ से सब डांसिंग एनिमेशंस स्टार्ट हो जाएंगे। इसमें से आप किसी को भी ओपन करोगे तो वहाँ आपको डांसिंग एनिमेशंस मिल जाएंगे। ये सब फीमेल के डांसिंग एनिमेशंस है, यहाँ आपको मेल के डांसिंग एनिमेशंस मिल जाएंगे। चलो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों हम देख सकते हो हमारा माइकल डांस कर रहा है। यहाँ आपको बहुत सारे डांसिंग एनिमेशंस मिल जाएंगे। चलो अब मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। ये आप देख सकते हो, ओ भाई साहब, चलो अब हम मेल 3 को अप्लाई कर देते हैं। यहाँ आप देख सकते हो ये है दूसरा डांसिंग एनिमेशन। चलो अब हम मेल 4 को क्लिक कर देते हैं, ये दूसरा एनिमेशन है। चलो अब हम एक और ट्राई करते हैं। उसके बाद आप और नीचे आ जाइए, यहाँ भी आपको बहुत सारे एनिमेशंस मिल जाएंगे। इसमें से आप कौन सा भी एनिमेशन यूज़ करके कस्टम वीडियोस बना सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ आपको बहुत सारे एनिमेशंस मिल जाएंगे। ओ भाई साहब ये थोड़ा अलग है। यहाँ आपको बहुत सारे डांसिंग एनिमेशंस मिल जाएंगे।
अगर आपका पेड फीमेल है तो आप इन ऑप्शंस को सेलेक्ट कीजिए, फीमेल ऑप्शंस को। यहाँ आप देख सकते हो, ओ भाई साहब, ऐसे ही आपको बहुत सारे एनिमेशंस मिल जाएंगे। चलो अब हम बैक आते हैं। आप कौन से भी ऑप्शन को ओपन करोगे तो वहाँ आपको अलग अलग डांसिंग एनिमेशंस मिल जाएंगे। हम देख सकते हो, हर एक एनिमेशन आपको खतरनाक मिल जाएगा। ओहो भाई साहब, माइकल डांसर बन गया। तो दोस्तों हम देख सकते हो, माइकल डांसर बन गया है। कौन से भी डांस एनिमेशन को स्टॉप करना है तो मेनू ट्रेनर को ओपन कीजिए, उसके बाद प्लेयर ऑप्शंस में जाइए, उसके बाद एनिमेशंस में जाइए, उसके बाद यहाँ आपको दिख रहा होगा फर्स्ट में स्टॉप एनिमेशन, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ आप देख सकते हो एनिमेशन स्टॉप हो गया है। तो दोस्तों इसी तरह से आप अपने प्लेयर को डांसिंग एनिमेशंस को दे सकते हो। चलो अब हम देखेंगे कि दूसरे पेड़ को आप डांसिंग एनिमेशंस को कैसे दे सकते हैं। मेनू ट्रेनर को ओपन कीजिए। मेनू ट्रेनर को ओपन करने के बाद नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद आप जस्ट स्पोनर में जाइए, उसके बाद स्पोनर मोड को ऑन कीजिए। आप देख सकते हो स्पोनर मोड ऑन हो गया है। उसके बाद स्पॉन एंटिटी इनटू वर्ल्ड में जाइए, उसके बाद पेड में जाइए, उसके बाद यहाँ से आप कौन से भी पेड को चूज कर सकते हो।
चलो अब मैं फ्रैंकलिन को स्पॉन कर लेता हूँ। कौन सा भी एक पेड को स्पॉन करने के बाद स्पून मोड से इस प्लस आइकन को उस पेड पर ले जाइए। ले जाने के बाद राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद पेड ऑप्शंस में जाइए। उसके बाद फिर नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ आपको दिख रहा होगा एनिमेशंस, इसको ओपन कीजिए। इसको ओपन करने के बाद फिर नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ आपको दिख रहा होगा ऑल एनिमेशंस, इसको ओपन कीजिए। इसको ओपन करने के बाद यहाँ से आपको सर्च करना होगा डांस। डांस सर्च करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ आपको डांसिंग एनिमेशंस मिल जाएंगे। यहाँ आप कौन सा भी एनिमेशन इसे दे सकते हो। स्पूनर मोड से एग्जिट होने के लिए F9 को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों हम देख सकते हो फ्रैंकलिन डांस कर रहा है। अगर आपको इस एनिमेशन को स्टॉप कराना है तो आप मेनू ट्रेनर को ओपन कीजिए। मेनू ट्रेनर को ओपन करने के बाद नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद ऑब्जेक्ट स्पॉनर में जाइए। उसके बाद फिर नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ आपको दिख रहा होगा मैनेज एंटिटी डाटाबेस, इसको ओपन कीजिए। इसको ओपन करने के बाद फिर नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ आपको दिख रहा होगा फ्रैंकलिन, इसको ओपन कीजिए। इसको ओपन करने के बाद फिर नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद पेड ऑप्शंस में जाइए। उसके बाद फिर नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ आपको दिख रहा होगा एनिमेशन, इसको ओपन कीजिए। इसको ओपन करने के बाद यहाँ आपको दिख रहा होगा स्टॉप एनिमेशन, इस पर क्लिक कीजिए। फ्रैंकलिन का एनिमेशन स्टॉप हो गया है। फिर यहाँ से ही आप ऑल एनिमेशंस में जाके यहाँ से डांस सर्च करके फिर से डांसिंग एनिमेशन इसे दे सकते हो। तो दोस्तों इसी तरह से आप अपने प्लेयर को या फिर कौन से भी पेड़ को डांसिंग एनिमेशन दे सकते हो और आप कस्टम वीडियोस भी बना सकते हो। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।